इन फोर का मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी बनाया हुआ है। देखो डिफरेंस मैंने क्या बनाया, कॉम्पोजिट से अगर आप नॉर्मल में आओगे, एग्जम्प्टेड से अगर आप टैक्सेबल में आओगे, तो कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% ईच क्वार्टर माइनस करेंगे और इस केस में टोटल आईटी से डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई रिमेनिंग है। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों का ना डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया ताकि आपको ये दिक्कत ना है कि 18(1) में हमने क्या पढ़ा था और 18(4) में हमने क्या पढ़ा था, ये आपके सामने है। ठीक है जी, तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी अब आपके रिविजन के ऊपर भी। अंजलि देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बनाया हुआ है, ये ना डिफरेंस मैंने बनाया हुआ है, तो जो मैंने लिखवाया है ना, जो मैंने लिखवाया है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप चेक करोगे नोट्स में सारी बातें मैंने बनाई हैं। ठीक है, तो उसके आप टेंशन मतलब वही कह रहे हो। तो देखो मैंने पूरा डिफरेंस बनाया हुआ है, कॉम्पोजिट से नॉर्मल, एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल, और सामने मैंने रिवर्सल की बात की, नॉर्मल से कॉम्पोजिट, टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड, तो वो आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट डायग्राम के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ जी, बस लास्ट पॉइंट है 18(6)। 18(6)H 10 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं।